दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को मेरा हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2015 से आज तक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप से मनाया जाता है, पर इस कार्य के लिए सिर्फ जून 21 को ही क्यों चुना गया और किसी दिन को क्यों नहीं चुना गया? ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में जरूर उठते होंगे, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका कारण। भारत के एक महासंत के अनुसार 21 जून पूरे दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से 15,000 साल पहले हिमालय की ऊंची चोटी पर एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थे, कहां से आए थे। लोगों के मन में उत्साह बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोगों का समूह वहां पर इकट्ठा होने लगा। सभी लोग सोचते थे कि वे कुछ बोलेंगे, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। घंटों, दिनों, महीनों बीत गए, लेकिन वो वैसे ही बैठे रहे। लेकिन लोगों के पास इतना धीरज कहाँ? लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। वो योगी ना खाते, ना पीते, ना हिलते, ना डुलते। सिर्फ उनके गाल पर परमानंद के आंसू बीच बीच में बहते थे। लेकिन लोग इस चमत्कार को समझ नहीं पाए और वहां से चल बसे। अंततः सिर्फ 7 लोग ही वहां पर रुके, क्योंकि उन्हें उन योगी की स्थिर होकर बैठे रहने की चमत्कारिता समझ में आ गया था। ऐसा अगर कोई स्थिर बैठ सकता है तो वो निश्चित रूप से भौतिकता से परे है। वो 7 लोग भी वैसे ही बैठे रहे। उन 7 को हम आज सप्तर्षि के नाम से जानते हैं और वो योगी थे आदि योगी। सप्तर्षि आदि योगी के पहले शिष्य थे। सप्तर्षि ने आदि योगी से ज्ञान प्राप्त करने की जिद की। आदि योगी बहुत समझाए, परंतु वे ज्ञान प्राप्त हेतु सब कुछ करने के लिए तैयार थे। फिर एक दिन जब सूरज अपना दिशा बदल रहे थे, यानी 21 जून को जब दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गए, तो आदि योगी भी दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर सप्तर्षियों को शिक्षा देना शुरू किए थे। और उसी दिन से ही योग की शुरुआत हो गई। और संयोग से यूनाइटेड स्टेट ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की निवेदन पर आदि योगी इंसान होने का यंत्र विज्ञान समझाने लगे। जब 15,000 साल पहले ये विज्ञान शुरू हुई, तब कोई जाति था ना कोई धर्म। तब आदि योगी इंसान होने का 112 तरीके सिखाए, जिससे इंसान अपने परम प्रकृति को पा सकता है। जब लोगों ने पूछा ये 112 तरीके ही क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप शरीर में हैं, 112 तरीके ही होंगे। अगर आप शरीर से परे हैं, तो संसार में जितने परमाणु हैं, उतने ही मार्ग हैं। उसी तरीके से योग विज्ञान में 112 तरीके ही है। वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं। योग विज्ञान का ज्ञान देने के बाद आदि योगी सप्तर्षियों को विभिन्न दिशाओं में भेज दिए। उनमें से अगस्त्य मुनि हमारे भारतवर्ष के दक्षिण दिशा के ओर आए और विंध्य पर्वत की पठार पर लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में समझाए। इस तरह भारत में योग परंपरागत आदि काल से है और भारत ने ही पूरे संसार को योग विज्ञान की ज्ञान दी। इसीलिए मुझे भारतीय होने का गर्व है।